अस्सलाम वालेकुम, मैं एक केराटिन यूज करते हैं, कोकोनट ऑयल ऐड करना है वो है करूंगी अच्छी तरह। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और खुशबाश। आज की जो वीडियो है ना वो हेयर के हवाले से है। हेयर के हवाले से मुझे बहुत आपने डीएम किए हैं, तो जिनके बाल कर्ली हैं, फ्रीजी हैं और दो मुए हो गए हैं, उन सब का लिए एक केराटिन मास्क है। तो चले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें। इस केराटिन के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो सिंपल सी तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कोकोनट मिल्क, सेकंड हमें चाहिए मायोनीज जो व्हाइट वाली होती है, एक होती है चिकन मायोनीज, वो हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। हमें जस्ट ये सिंपल मायोनीज जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं, और जो भी आप सिंपल हेयर ऑयल यूज़ करते हैं, सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, या जो भी आप यूज़ करते हैं, आपको वो थोड़ा सा ऐड करना। अब हमने कुछ ऐसा है कि एक बाउल हम लोगों ने ले लेना है, उसके अंदर सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है वो है विटामिन ई ऑयल। अगर विटामिन ई ऑयल है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अगर विटामिन ई ऑयल नहीं है कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कैप्सूल नहीं है तो आप जो है, अगर आपके पास बादाम का ऑयल रखा हुआ है, आलमंड ऑयल रखा हुआ है, तो आप वो भी यूज़ करें। अगर आपने विटामिन ई के कैप्सूल डालने हैं तो ये दो से तीन डाल लें आप। सेकंड जो हमने इसके अंदर अब ऐड करना है विटामिन ई ऑयल, मैंने तीन कैप्सूल ऐड किए हैं, तो आप अकॉर्डिंग अपने हेयर जितनी आप मायोनीज देंगे उतने बढ़ाते जाएं हर चीज़ को। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मायोनीज भी आपने अपने बालों के अकॉर्डिंग लेनी है, हेयर्स के अकॉर्डिंग लेनी है, कि जितनी लेंथ है आपकी उतनी मायोनीज होनी लाजमी है। ये पूरे आप बालों में अप्लाई करनी है मास्क की तरह, तो मास्क आपको पता है ज़्यादा अप्लाई होता है, तो मायोनीज अब भी आप अपने बालों की लेंथ के मुताबिक ले लें। और इसको करेंगे अब अच्छी तरह हम मिक्स, हर स्टेप को हमने एक एक करके मिक्स करना है। अब इसको करेंगे मिक्स बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि मायोनीज गाढ़ी होती है, जब हम मिक्स करेंगे तो ये थोड़ी मास्क फॉर्म में आती जाए। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है ऑयल के, हमने दो से तीन चम्मच लाजमी ऐड करने हैं। अगर आपके बाल लंबे हैं तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब जो कोकोनट मिल्क है ना, वो हमने थोड़ा थोड़ा सा ऐड करना है, ताकि ये मास्क की ही तरह रहे, पतला ना हो जाए, ताकि हमें अप्लाई करने में मुश्किल ना हो। ये देखिए मैंने थोड़ा सा डाला है, अब इसको करूँगी अच्छी तरह मिक्स और मिक्स करती जाऊँगी, फिर देखूँगी अगर ज़रूरत होगी थोड़ा सा और डालूँगी। कोकोनट मिल्क मार्केट में इजीली मिल जाता है, अगर आपके पास नहीं है कहीं तो आप ये भी कर सकते हैं, कोकोनट ले लें, नारियल ले लें और उसे ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके उसको आप तोड़ लें तो उसका आपको मिल्क मिल जाएगा। वैसे मार्केट में ये इजीली मिल जाता है। ये सिंपल से हमारे इंग्रेडिएंट्स थे जिनसे हमारा इतना अच्छा मास्क बनने वाला है ना, कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपके बाल स्ट्रेट करता है, आपके दो मुए बालों को ख़त्म करता है, फ्रिजीपन ख़त्म करता है, लेंथ बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। इसको अप्लाई कुछ ऐसे करना है कि पहले आपने अच्छी तरह बालों को गीला कर लेना है, वेट कर लेना है, फिर उसके बाद जो हमने मास्क बनाया है हेयर्स में कॉम करके आपने अच्छी तरह स्ट्रेट रखकर बालों को ये अप्लाई करना है, जिस तरह हम एक केराटिन मास्क अप्लाई करते हैं। फिर हमने शावर कैप से बालों को कर लेना है कवर और एक घंटा वेट करना है। और अब जब आप शैम्पू कर रहे हैं तो शैम्पू में थोड़ा सा जो राइस वाटर होता है ना, जो रात को हमने चावल भिगोए होते हैं उसका जो ऊपर वाला पानी होता है, वो थोड़ा सा शैम्पू और वो ऐड करके आप हेयर वॉश करें, आपका केराटिन बहुत अच्छा होगा। और बहुत उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह